सो हेलो गाइस, कैसे गाइस? सभी लोग आ चुके हैं अपना सर्वाइवल सीरीज का पार्ट टू, सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर टू। क्योंकि गाइस हमने कहा था सर्वाइवल सीरीज जो अपना सीजन वन ही समझ लो, अभी सीजन वन ही चलेगा काफ़ी टाइम तक। तो इसका जो एपिसोड नंबर वन था तो उसमें मैंने 50 लाइक्स का लाइक एम गोल रखा था, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है और 24 घंटे भी नहीं होते उससे पहले कंप्लीट हो गया था, 12 घंटे में शायद कंप्लीट हो गया था मेरा लाइक गोल। तो ये है गाइस अपने सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर टू। इसमें बनाएंगे हम सबसे पहले एक फार्म अपने लिए बढ़िया सा, और सबसे पहले आयरन के टूल्स इकट्ठे करेंगे, आयरन का आर्मर बनाएंगे, और हो सकेगा आगे तो हम डायमंड वगैरह माइनिंग पे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस करते हैं स्टार्ट जल्दी से इसको और घुसते हैं अपने सर्वाइवल सीरीज के वर्ल्ड में। और जहाँ पे मैंने कल छोड़ा था, मतलब कल मीन्स लास्ट एपिसोड में जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, वैसे ही जहाँ पे जैसे छोड़ा था वैसे का वैसे ही। देखो मैंने यहीं पे छोड़ा था और यहीं पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था जो फूड है उसको मैं पहले तो कुक कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से, और कुकिंग पे लगा लेता हूँ मैं जो भी मेरा पे फूड है उसको। और जब तक हम चलते हैं गाइस थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं कहीं पे, अगर ग्रास वगैरह मिलती है तो उनको तोड़ के मैं सीड वगैरह थोड़े से ले लेता हूँ सीड वगैरह के लिए। तो गाइस हमको सीड इकट्ठे करने, पहले तो सीड, ताकि हमको सीड मिलेंगे तभी तो हम आगे वो कर पाएंगे। लेकिन मैं पहले ना एक वाटर बकेट बना लेता हूँ यार, वाटर बकेट की मेरे को सबसे ज़्यादा नीड है अभी इस टाइम पे। पहले तो मैं वाटर बकेट बना लेता हूँ यार, पहले तो मेरे को वाटर बकेट जरूर चाहिए मेरे को। इसको हम बाद में कुक कर देंगे गाइस, ठीक है? पहले मेरे को वो चाहिए वाटर बकेट, क्योंकि बिना वाटर बकेट के यार मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने वगैरह में। तो सबसे पहले मैं 3 आयरन को जल्दी से मेल्ट कर लेता हूँ और इसका मैं वाटर बकेट बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो अपने को वाटर बकेट चाहिए, उसके लिए 3 आयरन इंगट चाहिए होंगे, और एक हमारा हो चुका है अभी, एक बार हार्डवेयर का हमको अचीवमेंट मिल चुका है गाइस। चलो अभी चलते हैं ऊपर से और आयरन वगैरह ही माइन करेंगे अभी चल के। ठीक है, जल्दी से मैं वाटर बकेट बना लेता हूँ अभी यहाँ पर, क्राफ्टिंग टेबल में यहीं पर रख देता हूँ अभी, क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है क्राफ्टिंग टेबल की लेके जाने की अभी, क्योंकि मेरे को बस सीड चाहिए थोड़े से। तो मैं सीड के लिए जाता हूँ, यहाँ से पाकेट में पानी ले लेता हूँ थोड़ा सा पहले तो, और हम लोग चलते हैं अभी। मैंने फूड नहीं लगाया उधर से, शायद से मैं फूड भी लगा देता हूँ, भूल गया मैं, सॉरी। आयरन हो रहा है, चलो इसको लास्ट बचा है लास्ट, इसको भी कर ही लेते हैं फिर, एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं अभी फटाक से। चलो अभी चलते हैं गाइस अपन लोग सीड इकट्ठा करने के लिए जल्दी से, और यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा कि सीड जल्दी मिलने वाला है, तो मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, मतलब सामने की तरफ को मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बाकी मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट तो यहीं पे सेट कर लिया है, ताकि मैं मरूंगा तो यहीं पे निकल आऊँगा जल्दी से। सामने मिल सकते हैं, हाँ इधर चलते हैं, इधर मिल सकते हैं मेरे को सीड्स, और जल्दी चलते हैं भाई सामने और देखते हैं सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ज़्यादा दूर नहीं तो मैं यहीं पर सो जाऊँगा अगर रात होगी तो, जल्दी से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर अभी हम लोग हैं नहीं, तो मैं यहीं पर पहले सो जाता हूँ, वरना मेरे को बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि जॉम्बीज वगैरह आ जाएंगे तो मैं उनसे फाइट वगैरह करने में बहुत दिक्कत होगी। मेरे पे टूल्स वगैरह नहीं क्योंकि अभी अच्छे से, तो अभी मैं बेड को तोड़ देता हूँ और मैं चलता हूँ गाइस सामने की तरफ जल्दी से, और ग्रास को तोड़ते हैं हम लोग जल्दी से एंड सीड इकट्ठे करते हैं, क्योंकि हमको सीड चाहिए, और सीड से हम लोग क्रॉप्स उगाएंगे पहले तो। सबसे पहले एक अपना फार्म बनाएंगे, ठीक है? अभी वैसे मेरे को सारा सामान लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर मेल्टिंग पर लगा दिया अभी, तो कोई बात नहीं, जब तक हम यहाँ से एक सीड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहीं पे बेड वेड ले आएंगे अपना, थोड़ा सा एक घर बना लेंगे यहाँ पे हो सकेगा तो आज की इस एपिसोड में। ठीक है गाइस, तो मैं पहले सीड कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि क्योंकि मेरे को सीड चाहिए होगा, मैं 20-25 सीड कलेक्ट कर लेता हूँ उसके लिए पहले तो, जल्दी से तोड़ताड़ के इनको। मेरे को सीड चाहिए, बस सीड ले लेता हूँ मैं तो जल्दी से। और मेरे पे अभी कितने हुए पे 13 सीड हो चुके हैं अभी, मेरे को और चाहिए थोड़े से, तो मैं और जल्दी से तोड़ता हूँ और जल्दी सीड को कलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से। एंड गाइस इस वाले एपिसोड का लाइक एम जो है वो है 60 लाइक्स, ठीक है? पिछले वाले से 10 लाइक ज़्यादा है, ठीक है? तो इस पे जब 60 लाइक्स हो जाएंगे तब आएगा हमारा नया एपिसोड, ठीक है? तो कर देना भाई, ठीक है? मैं ये वाली सर्वाइवल सीरीज चलेगी पूरे 100 डेज तक चल सकते हैं, मतलब 100 एपिसोड आ सकते हैं अगर तुम लोग अच्छे से प्यार दिखाओगे इस वाली सीरीज़ पर, क्योंकि सीरीज़ तुम लोग के कहने पर मैंने निकाली है, वरना मैं सर्वाइवल सीरीज़ निकालने वाला नहीं था। काफ़ी बंदों ने कहा कि सर्वाइवल सीरीज़ कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, सर्वाइवल सीरीज लेके आओ लेके आओ, तो इसी के लिए मैंने सर्वाइवल सीरीज निकाल लिया ये, वरना ये सर्वाइवल सीरीज नहीं आती शायद कभी। तो दिखा देना यार सपोर्ट थोड़ा सा यार, इतने सर्वाइवल सीरीज़ को भी ऐसे अभी तक दिखाया है, और जल्दी से 10K करवा दो, 10K के बहुत ज़्यादा क्लोज है यार, तो 10K का वेट नहीं होता, ये फटाक से करवा दो। एंड 25 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फूड मिल रहा है, इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं उनको मार करके जल्दी से। बाकी उधर बेड तो है, उधर से ही बेड ले आऊँगा, एक बेड मेरे पास भी अभी, बेड की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फूड इकट्ठा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? एंड हम लोग चलते हैं गाइस अभी, सीट तो हमको मिल चुका है, एंड सामने इधर ही किसी जगह पे हम लोग अपना फार्म बनाएंगे, ठीक है? और वहीं पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आयरन माइन करने के लिए, ठीक है?
आयरन फाइंड करना है क्योंकि हमको, ताकि हम जल्दी से एक आयरन का अपना आर्मर वगैरह बना सकें और सारे टूल्स आयरन के हो सकें, क्योंकि मेरे पे अभी कुछ आयरन का टूल नहीं, बट मेरे 3 इंगट पड़े हैं अभी, उनसे मैं बस एक पिकेक्स बना सकता हूँ और कुछ नहीं। और मैंने वाटर वाटर की बकेट बना ली है क्योंकि। तो अभी लो हम लोग चलते हैं गाइस वापस से अपने छोटे से ब्लेजर वाले हाउस पे। ठीक है सीड इधर आ जा। तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से अपने वापस से छुटकू से घर में, ब्लेजर वाले जिसको हमने हथियार लेता है ब्लेजर से लड़ के उनको मार के। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं यार, वो रहा सामने अपना घर, एंड वहाँ से चलेंगे हम लोग। ठीक है थोड़ा सा लकड़ी वगैरह पेड़ वगैरह कट करेंगे एंड फेंस वगैरह बना लेंगे। और ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और हम लोग जल्दी से ले लेते हैं अपना फर्नेस वगैरह जो भी है और बेड वगैरह। और चलो इसको बाद में वहीं पे कुक कर लेंगे, अभी मैं इसको लेके चलता हूँ फर्नेस को अपनी, और क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता हूँ और बेड भी ले लेता हूँ एक। बाकी यार घर अच्छा था। ठीक है इनने हमको रखा 2 दिन के लिए, वो बात अलग है कि मैं खेला नहीं मतलब आया नहीं, पर 2 दिन हो गए कोई बात नहीं। सो चलो गाइज अभी हम लोग चलते हैं वहीं पे वापस से, और वहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक छोटा सा अपना प्यारा सा फार्म। ठीक है और ये गाइज हम लोग आ चुके हैं, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपने ग्रीन ग्रीन एरिया पे। ठीक है यहाँ पे कोल मिल रहा है, ले लेंगे। चलो छोड़ो बाद में ले लेंगे, कोल तो काफ़ी मिल जाता है, कोल कोल की इतना दिक्कत नहीं है ना। सो हम चलेंगे गाइज यहाँ से सामने में एक बार नज़र मार लूँ, यहाँ पे कई बार आयरन हमको मिल जाता है क्योंकि, तो हम सामने रहेंगे। ठीक है सामने मतलब सामने वहाँ पे घर बनाएंगे अपना, छुटकू सा घर बनाएंगे अभी बन पाएगा तो। बाकी एक फार्म तो बनाना ही है गाइस इस वाले एपिसोड में। ठीक है तो जल्दी चलते हैं गाइस, एक फार्म बना लेते हैं अपना चल करके पानी के अंदर से, छोटा सा आइलैंड टाइप है मतलब ये। और यहाँ पे हम लोग इसे बना सकते हैं अपना फार्म। ठीक है तो मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट के लेता हूँ, मेरे को फूड भी मिल रहा है यहाँ पर काफ़ी सारा, एंड पम्पकिन। हाँ विलेज तो मिल ही चुका है मेरे को, बट हम उस वाले विलेज में नहीं रहेंगे, तो मैं लकड़ियाँ काट लेता हूँ पहले तो। ठीक है क्योंकि तो हमको लकड़ी की ज़रूरत है पहले तो मेनली अभी फेंसेस वगैरह बनाने के लिए, तो लकड़ियाँ कट कर लेता हूँ गाइस मैं जल्दी से। इधर के ट्रीज़ बहुत छोटे मतलब 4 ही 4 मेरे को वो देंगे लॉग, इधर कितने 3, हाँ इधर भी 4 ही 4 देंगे, मैंने कहा था ना 4 ही 4 देंगे बस ये लोग। जल्दी से मैं सारी की सारी यहाँ से ट्रीज़ कट कर लेता हूँ, ट्रीज़ कट करने के बाद हम लोग बना लेते हैं। इसमें तो भाई लकड़ी नहीं है, तो हमको जौन सी जगह अच्छी लगी वहाँ पर हम लोग अपना फार्म बना लेंगे गाइस। ठीक है तो मैं देखता हूँ अच्छी जगह किधर है, इधर भी सीप्स मिल रही है वैसे मेरे को, एंड हाँ पानी समुंदर के पास इधर बनाएंगे तो इधर शायद अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ तो इधर ही बनाएंगे गाइस हम लोग थोड़ा सा, हाँ ये वाला एरिया ठीक है गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ। ठीक है तो ये वाला एरिया ठीक है, यहीं पे हम लोग बनाने वाले हैं अपना फार्म छोटा सा, एंड काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर बनाएंगे तो। मेरे को थोड़ी सी डर्ट चाहिए तो मैं डर्ट भी ले लेता हूँ थोड़ी सी। चलो गाइस अभी इसको प्लेन करते हैं जल्दी से। ठीक है क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं अपनी और प्लेन कर लेते हैं इसको जल्दी से, और बनाते हैं यहाँ पे अपना फार्म छोटा सा खाने वगैरह के लिए। वैसे खाने की कमी नहीं है बट एक छोटा सा फार्म बना लेते हैं हम। ठीक है एंड फिर जाएंगे हम लोग माइनिंग पे, तो इधर बना लेता हूँ मैं जल्दी से अपना एक छोटा सा फार्म। एक हो बना ली मैंने इधर इससे तो, और सीट मेरे पे मतलब ख़त्म हो चुका है, बट मेरे को एक सवाल भी चाहिए अभी, सवाल किससे बनाऊँ बट मैं अब सीट, मेरे को लग रहा है कि स्टोन लेके आना पड़ेगा गाइस, मैंने स्टोन ही ख़त्म कर दिया, मतलब इन पे स्टोन ही नहीं है भाई वहाँ पे इतना सारे स्टोन है, तो मैंने माइनिंग ओ सीट मेरे को आयरन दिख चुका है गाइस। वाओ ये गाइस अच्छी खासी जगह मेरे को मिल चुकी है माइनिंग करने के लिए, तो अभी इसमें चलेंगे, इसमें देखेंगे नीचे आयरन वगैरह मिल रहा है उसको ले लेंगे, बट अभी हम पहले फार्म बनाते हैं। हमारा मेन गोल जो है पहले फार्म बनाना है। ठीक है तो हम लोग पहले फार्म बना लेते हैं जल्दी से, इतना स्टोन अभी इनफ है मेरे लिए, बाकी बाद में ले लेंगे जा करके। मेरी बकेट की इधर गई ये रही। ठीक है बाकी हम बाद में ले लेंगे गाइस। ठीक है अभी पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं एंड अपना फार्म बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा प्लेन कर देता हूँ, पहले मैं फूड खा लेता हूँ थोड़ा सा, एंड अपना जो खाना बचा हुआ है उसको भी मैं लगा देता हूँ कुक होने के लिए फर्नेस में अपने जल्दी से, ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना काम होता रहे, वरना बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब लगाएंगे तो बहुत देर हो सकती है। सो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे जल्दी से अपनी एक सवल बना लेते हैं फटाक से, एंड सवल बनाने के बाद थोड़ी सी डर्ट को कर लेते हैं क्लियर। चलो ये रही अपनी स्टोन की सवल, एंड जल्दी से इसको एरिया को क्लियर कर दें थोड़ा सा, और थोड़ी सी ज़मीन को प्लेन कर लेते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा सा फार्म बना सकें अपने लिए सीड्स। चलो तो गाइस आई थिंक इतनी डर्ट मेरे लिए काफ़ी रहेगी, और मैं यहाँ पे जल्दी से ज़मीन को जो है प्लेन कर लेता हूँ नीचे, मतलब इनका इसका और एरिया बना देता हूँ मैं, एंड वो इतना फार्म शायद से मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, तो मैं इनको जल्दी से लगाता हूँ। फिर भी इतने सारे सीड्स हैं नहीं, बट फिर भी हम बना के रख लेंगे फार्म,
जैसे ऐसे सीड्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग लगाते जाएंगे, ठीक है। एंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना काफ़ी है, इतना इनफ रहेगा मेरे हिसाब से तो। हाँ इतना काफ़ी है भाई, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ज़्यादा बड़े की ज़रूरत भी नहीं हमको, क्योंकि पता नहीं हम यहाँ से शिफ्ट तो होंगे ही, तो ज़्यादा बड़ा फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। सो आई थिंक रात भी होने वाली है, तो मैं बेड लगा लेता हूँ पहले तो यहाँ पे जल्दी से, ताकि सो सके हम लोग, ठीक है। सो मेरे को क्या चाहिए था वैसे यहाँ से, तो मैं सो जाता हूँ पहले ताकि दिन हो जाए, जॉम्बीज वगैरह को आने नहीं देंगे गाइस हम लोग, ठीक है। तो फाइट क्या घंटा करेंगे वो हमसे। सो मेरा खाना शायद से कुक हो चुका है यहाँ पे, तो मैं बाकी का लगा देता हूँ जल्दी से कुक होने के लिए। और मेरे को चाहिए जहाँ से एक फेंस गेट बना लेता हूँ फटाक से, ठीक है। और मेरे को थोड़ा सा और चाहिए होगा, मैं इसको चलो बाद में करूँगा ये वाला काम, ठीक है। मैं पहले इसको ठीक कर देता हूँ, ये घोड़ा भाई दिक्कत देगा मेरे को लग रहा है, या तो मैं इसको मार दूँ या भगा दूँ यहाँ से। भग जा, मर गया वो गलती से, कोई बात नहीं, मर गया तो और मिल जाएंगे हमको घोड़े की भी, टेंशन नहीं है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग काम करते हैं अपना फटाक से, ठीक है। सो पहले मैं पानी डाल देता हूँ कि यार इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे करूँगा तो फिर वो वही दिक्कत होगी इसमें, पानी भर देता हूँ मैं इसलिए इसमें, क्योंकि फिर वो वापस से डर्ट बन जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करने का। तो ये चीज़ मैं कर लेता हूँ जल्दी से फटाक से, पानी डाल देता हूँ पूरे इसमें, ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए काम, बाद में करेंगे तो फिर दिक्कत होगी अपन को बहुत ज़्यादा। 6 ब्लॉक तक तो हो ही जाता है आराम से, हाँ हो जाएगा 6 ब्लॉक तक, बट कई बार जम भी जाता है वो, थोड़ा सा क्लोज क्लोज करके डाल देते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी होगा वो तो, एक आध एक्स्ट्रा डाल देंगे और क्या। चलो जल्दी से डाल देते हैं फिर यहाँ पे पानी, और इसके बाद हो से हम वो कर देंगे इसको मिट्टी मिट्टी। चलो अभी इतना साइज से बहुत रहेगा अभी, एंड हम लोग कर देते हैं इसका काम, ठीक है। और अपना हो निकाल लेते हैं जल्दी से, ये रहा अपना हो, एंड अभी इसको कर देते हैं प्लेन, इतना ही बहुत है, इतना इतना बड़ा काफ़ी रहेगा आई थिंक मेरे हिसाब से तो। चलो इसको जल्दी से कर देते हैं, हाँ इतना काफ़ी है, इससे बड़ा नहीं करेंगे, इससे बड़ा फिर वो बेकार, मतलब इतने सीड्स भी नहीं है ना मतलब करने के लिए, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से अभी के लिए। तो अपना फार्म हम इतना ही बड़ा बनाएंगे अभी के लिए, ठीक है गाइस। बाद में जब अपना थोड़ा सा बढ़िया होगा तब हम एरिया को बढ़िया कर देंगे, बट अभी के लिए फार्म इतना ही है अपना। मेरा हो भी जाने वाला है आई थिंक, तो एक और न्यू हो बनाना पड़ेगा मेरे को अभी। अच्छा मेरे को एक और वाटर डालना पड़ेगा अगर यहाँ पे, ये वापस से ज़मीन सूख रही है, इसको और पानी चाहिए थोड़ा सा। हाँ इधर पानी है भी नहीं, चलो इधर डाल देते हैं फिर हम, एंड एक और ले लेता हूँ कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे पानी डाल दूँगा मैं और जल्दी से, एंड यहाँ पे डाल ही देता हूँ भाई, कुछ नहीं पता है इसका, क्योंकि काफ़ी ड्रामे कर दे कब मेरी ज़मीन सूख जाए भाई, बंजर हो जाए मेरी ज़मीन। तो चलो गाइस यहाँ पे से हम थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, एक हो और बना लेता हूँ मैं जल्दी से पहले, तो क्योंकि ये तो ख़त्म ही होने वाली है मेरी हो बिल्कुल ही, इसमें इतनी जान नहीं बची, क्योंकि कोई बात नहीं, एक मैं लकड़ी की ही बना लेता हूँ, क्योंकि स्टोन में जल्दी जल्दी में कम लेके आया था काफ़ी सारा, काफ़ी सारा क्या मतलब है, पिद्दू सा है वो, पिद्दू सा। तो चलो कोई बात नहीं यार, ये जमना फिर चालू हो गया, इसका क्या दिक्कत है भाई, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा मतलब इसको और पानी चाहिए भाई, कितना पानी पिएगी जमीन, ले भाई पी ले पानी, और ले लेता हूँ क्या पता और ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, इतना तो मेरे को पता चल गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं अब, ठीक है। इधर भी जरूरत पड़ेगी, इधर ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी गारंटीड। चलो फिर हम इसको तोड़ देते हैं, एंड एक इधर भी लगा देंगे पानी, फिर शायद ज़रूरत ना पड़े। चलो हम इसको कंप्लीट करते हैं फटाक से, यहाँ से पानी लेता हूँ थोड़ा सा। चलो पता था मुझे ये ज़मीन जमेगी, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट कर देते हैं इसको फटाक से, अपने फार्म को जल्दी से कराते हैं, ठीक है। भाई मेरी वाली ये वाली हो भी टूट गई, चलो इसको जल्दी से इस लकड़ी वाली उसे कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सीड प्लेस कर देते हैं। अभी मेरे को 50 सीड हो चुके हैं, मेरे को देखा ही नहीं मैंने भाई, 30 सीड कर देते मैंने,
चलो कोई बात नहीं, 50 हो चुके हैं। और यहाँ आ गया हमारा सीडी प्लेस, चलो कोई बात नहीं, सीडी प्लेस हो चुका है अभी ये। एंड यहाँ पे हम जल्दी से सीट लगा लेते हैं अपनी, जल्दी से जितनी भी अपने पास, थोड़ा दूर दूर करके लगा देता हूँ क्योंकि है भी नहीं इतनी ज़्यादा सीट्स। सो इनके उगने का वेट करना पड़ेगा तक। हम लोग चलते हैं आयरन माइनिंग के लिए, अभी शायद से रात हो रही है क्या, नहीं अभी रात नहीं होने वाली, तो हम लोग चलते हैं गाइस जल्दी से फटाक से, ठीक है। एंड इसको कुकिंग पे लगा देता हूँ, मैं लकड़ी भी ले आऊँगा उधर से, ठीक है जितनी होगी अब तक। बाकी फैंस गेट भी तभी बना लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मतलब है भी नहीं यहाँ पे इतना वुड वगैरह। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से जल्दी से, एंड हम लोग करेंगे माइनिंग थोड़ा सा। एक क्राफ्टिंग टेबल मेरे को लेके जानी पड़ेगी, नहीं मैं बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि मेरे को रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी जो पड़ेगी। और एक मैं पिकेक्स भी बना लेता हूँ, ठीक है पिकेक्स ही बना ही लेता हूँ गाइस मैं एक ज़रा जल्दी से आयरन, क्योंकि पिकेक्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को, तो मैं आयरन की एक पिकेक्स बना लेता हूँ जल्दी से। बाकी मॉब से लड़ने के लिए मेरे कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं, लड़ लेंगे हम जैसे भी होगा हम लड़ देंगे। इसलिए हम लोग जा रहे हैं आयरन माइनिंग करने गाइस अभी, ठीक है जब तक ये उग जाएगा, ठीक है जब तक हम लोग चलते हैं आयरन माइन करने के लिए, आयरन वगैरह माइन करते हैं। और सीट गिरी गया मैं, अच्छा ये तो वही जगह है, चलो सो इधर ही है गाइस। वैसे मेरे को आयरन दिखा था उस टाइम पे, मैं उस टाइम ले सकता था, बट मैंने सोचा पहले इसको तो ले लेंगे, कौन खेल रहा है इसे हमारे अलावा, हम ही लेंगे और कोई नहीं लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से गाइस हम लोग लेने वाले हैं आयरन, हाँ नीचे दिखा था ये रहा आयरन, और देखूँ कि सामने कहीं और दिख रहा हो तो नहीं, हाँ नीचे भी है। चलो तो पहले इधर वाला आयरन ले लेता हूँ मैं, आराम से उतर उतर के जम कर लगानी, पानी नहीं लाया मैं गलती से, सॉरी भाई मैं पानी नहीं लेके आया, खाली बकेट लेके आ गया लिटरली, मजाक हो रहा गया, अब तो भाई गड़बड़ हो गया काम मेरा। चलो आयरन कलेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं हम ब्लॉक से चले जाएंगे अभी ऊपर तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अभी मेरे को उधर जाना पड़ेगा वापस से, और ये लो, और ये रहा गाइस यहाँ पे भी हमको मिल रहा है आयरन, तो इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। 3 4 4 ही मिला बस, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टोन भी ले लेता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि स्टोन की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर भी जाना है अभी, और क्या कहते हैं स्टोन की भी कमी है मेरे पे बहुत ज़्यादा अभी, तो स्टोन से बहुत काम होता है गाइस, स्टोन ले लेते हैं। और साथ में हमको कोल भी मिल चुका है, कोल भी ले लेता हूँ थोड़ा सा, जो मिल रहा है ले लो गाइस, जो भी मिल रहा है ले लो बस, छोड़ने का नहीं बस कुछ भी, तो कोल ले लेता हूँ मैं जितना भी मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। टॉर्चेस में भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, क्योंकि वरना बिना लाइट से मेरे को दिखने वाला है नहीं उधर अंधेरे वगैरह में, और मैं अभी नीचे जाने की सोच रहा हूँ, तो फिर चलते हैं नीचे, बट मैं पानी लेके आता हूँ एक, मेरे को MLG वगैरह करनी पड़ सकती है नीचे, क्योंकि तो तुमको पता ही है मैं MLG में कितना ज़्यादा प्रो हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं भाई नीचे, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ और है कि नहीं। नीचे रास्ता तो दिख रही है, शायद से नहीं है, नहीं है गाइस इधर कुछ भी नहीं है, और इतना ही सा नहीं है रहा ना, आयरन दिख गया आयरन मेरे को। चलो डर्ट से चल जाते हैं हम तो ऊपर इजीली, और ये रहा अपना आयरन, और चलो इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, वो तो मेरे को दिख गया जाते जाते लिटरली एक ही था, चलो कोई बात नहीं। सो इतना आयरन मिला गाइस हमको बस, अभी साथ ही मिला है, तो हम कहीं और जाएंगे अभी आयरन फाइंड करने के लिए। सो यहाँ से हम लोग निकलते हैं जल्दी से फटाक से, ठीक है, और कहीं और देखते हैं आयरन वगैरह कहाँ पे मिलता है हमको। और तो यहाँ से तो हम लोग चलते हैं, बट इधर कुछ है भी नहीं, और जितना था हमने लूट लिया बस इतना ही, 6 7 जो भी आयरन था बस वही था। सो चलो भाई चलते हैं यहाँ से जल्दी से फटाक से। अच्छा इधर भी रास्ता है क्या, सीट में गिर गिर के मर जाऊँगा लग रहा है आज। हाँ इधर लग तो रहा है मेरे को कुछ है, बट केव मिल जाए बस एक नीचे थोड़ी सी बड़ी सी, बट लग नहीं रहा कि देखते थोड़ा सा चल के। हाँ हो सकता है, हो सकता क्या मतलब है। सो मैं एक बार पानी ले आता हूँ गाइस ऊपर से चल के, ठीक है पानी ले आता हूँ, और मैं एक एक्स बना लेता हूँ अपने लिए आयरन की, जो कि मेरे को थोड़ा सा लड़ने में हेल्प करेगी, कि भाई स्टोन वाले से नहीं मरने वाले, ये क्रीपर वीरीपर जो भी हैं, क्रीपर जॉम्बी वगैरह ये सब नहीं मरने वाले, मुझे पता है, क्योंकि स्टोन वाली से कुछ नहीं मरता भाई, भाई जानवर ही इतने बार में मरते हैं क्या बताएं, तो स्टोन से वो कहाँ से मरेगा भाई। चलो मैं जल्दी से पानी इकट्ठा कर लेता हूँ फिर यहाँ से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग। मेरे पे 7 आयरन है, मैं एक एक्स भी बना लेता हूँ, एक्स बनाने के बाद हम लोग चलते हैं गाइस जल्दी से, ठीक है यहाँ से फिर। एंड यहाँ पे मैं अपने आयरन को माइन कर लेता हूँ, मतलब पका लेता हूँ फर्नेस में, माइन मतलब माइन थोड़ी ना होता है वो। तो चलो अपना आयरन हो रहा है गाइस इसमें, कुक हो रहा है, थोड़ा सा मैं ले भी लेता हूँ भाई स्टिक के साथ, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है।
इसकी बहुत ज़्यादा कॉल की लाइट के लिए, तो जल्दी से वो हो जा भाई अपना। मैं एक एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि इस वाली एक्स तो भाई मर गए भाई, सब मर गए इस वाली एक्स से, फ़ायदा नहीं है इसका कुछ, इसको ही फेंक ही दो, फालतू की चीज़ है ये भी, फालतू की चीज़ है। चलो भाई वापस आके इन्वेंट्री में, तो चलो इसको फेंकते हैं ऐसे करके। बाकी रात भी होने वाली है, अभी नेक्स्ट डे होती हम जाते हैं, ठीक है गाइस। जब तक मैं एक एक्स बना लेता हूँ अपनी आयरन की जल्दी से, एंड ये थी अपनी एक्स, ठीक है। बाकी इसका उगने का वेट है भाई, ये फार्म भी कंप्लीट नहीं है अभी। मेरे को इस टाइटन वगैरह से सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा फाइट कर लूँ, या तो मेरे को बोन भी मिल जाएगा, मेरे को सीड भी चाहिए बहुत सारे अभी, क्योंकि ये वाला फार्म अपना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए मेरे को सीड चाहिए होगा अभी, काफ़ी सारे सीड्स जो कि अभी नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, हम लोग रास्ते में बहुत सारी ग्रास मिलेगी, उसको तोड़ देंगे और क्या। तो हम लोग हाँ चलो चलते हैं अभी, ठीक है। ये चार शीट मिले, इसको भी लगा ही देते हैं यहाँ पे, इसको तो उगने में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है अभी, क्योंकि ये इतने जल्दी उगने वाला भी नहीं है अभी। सो ये जैसी ग्रास है ना, ये सब इनको तोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है गाइस हम लोग। और चलते हैं फिर वापस से नीचे वाली केव में, वहाँ पे शायद से हमको कुछ मिल सकता है। मैंने आयरन की इसलिए बनाई है क्योंकि डायमंड मिल गया, तो डायमंड ले लेंगे, डायमंड के लिए वापस पहुँच जाएगा क्योंकि, ठीक है, डायमंड मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से नीचे, एंड इधर मुझे नहीं लगता और कुछ मिलने वाला है। चलो अभी नीचे जाना है मेरे को, खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा। क्या बोलते हैं, MLG कर देंगे गाइस, बट गलत हुआ तो मैं मर जाऊँगा, तो रिस्क नहीं लेते हैं अभी थोड़ा सा, कहीं MLG हमारा ख़राब हो जाए तो। ऐसे MLG में हूँ तो मैं पिरो, तुमको बीच में दिख जाएगा अभी जैसे मैं गिरने वाला हूँगा तो। ओके ओके चलो हम इसके सहारे चलते हैं नीचे, और हम देखते हुए चलेंगे गाइस, कहीं पे हमको आयरन वगैरह जहाँ पे दिखेगा वहीं से माइन कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये सीधे रास्ता गई है ना आराम से, ज़ॉम्बी आ रहा है भाई, इससे फाइट नहीं करना मेरे को अभी, बट आयरन ये रहा। चलो इसको हम जल्दी से माइन कर लेते हैं, तीन आयरन मिले हमको यहाँ पे, एंड इधर और कुछ नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से तो। बाकी इसमें अंदर चल के लो, यहाँ पे भी हमको आयरन मिल चुका है गाइस थोड़ा सा। मैं टॉर्च बना लेता हूँ गाइस एक जल्दी से, एक ही टॉर्च है मेरे पे अभी इन्वेंटरी में, वाह। चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि टॉर्चेस की ज़रूरत पड़ रही है हमको थोड़ी सी, दिखेगा नहीं वरना बिना टॉर्चेस के तो, ठीक है। एंड टॉर्चेस को मैं इसमें लगा देता हूँ ताकि ये काम करती रहे अपने। चलो इधर इधर कुछ भी नहीं है, तो टॉर्चेस को हम लेके भी चलेंगे, क्योंकि टॉर्चेस कम बनाई है हमने, तो ये ख़त्म हो जाएगी जल्दी से। तो अभी हम लोग को जाना है गाइस नीचे, एंड पानी के थ्रू चलते हैं, ओपी एकदम। आयरन गिर गया, अरे शिट भाई, मरते मरते बचाओ, मैं तीन हार्ट बचे मेरे लिटरली अभी बस, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया हूँ मैं, मेरे को ऊपर जाने में दिक्कत होने वाली है गाइस काफ़ी ज़्यादा भाई। मेरे हर्ट्स जल्दी फिल हो ना, चलो मेरे हर्ट्स फिल होने चालू हो गए गाइस अभी, तो मेरे हर्ट्स फिल होते हैं, सामने एक ही आयरन है उसके लिए मैं मरना नहीं चाहता गाइस बिल्कुल भी। इधर और कुछ लग तो नहीं रहा, हम चलते हैं लेकिन अंदर देखते हैं क्या मिलता है गाइस हमको, ठीक है। लावा बह रहा है भाई इधर तो, लावा में गिर के मरें क्या भाई, इधर और कुछ भी नहीं है भाई, मैं बेफालतू में आया इतने नीचे को, बट पीछे चल के देखते हैं एक बार, पीछे से ऐसा कुछ मिल जाए हमको इधर वाले एरिया में। ऊपर क्यों देख रहा है मेरे को बार बार, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से कुछ हो मेरे को। डायमंड मिल, डायमंड कह रहा हूँ भाई, गोल्ड मिला है इसका, गोल्ड का क्या करेंगे, कैरेट बना सकते हैं, गोल्ड को तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं उसकी माइनिंग, या फिर एक एप्पल मिलेगा हमको ट्री से तो एप्पल बना लेंगे उसका, ठीक है। एप्पल बना लेंगे गाइस, ठीक है। अभी छः है बट थोड़ा सा और चाहिए होगा, दो भाई जंप लगानी पड़ेगी यहाँ से, बट मैं रिस्क क्यों लूँ, मेरे पे पानी है तो। एंड उधर ऊपर भी गोल्ड है थोड़ा सा, बट हमको गोल्ड के चक्कर में नहीं मरेंगे गाइस, लालच बुरी बला है गाइस, लालच बुरी बला है, लालच नहीं लेंगे तो हम, मतलब लालच नहीं करेंगे, और चलते हैं हम लोग। मेरे को लगता नहीं भाई आगे कुछ और मिलने वाला है इधर, इधर देख लेंगे एक बार छोटे से ज़रा नज़र मार के, नहीं 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 जल जाएंगे और। सो इधर भी कुछ नहीं मिला गाइस वैसे तो मेरे को, मतलब मैं बेकार में आया गाइस यहाँ पे, कुछ मतलब है ही नहीं इधर तो, इधर कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं बेकार आया इधर आके। सीट 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 मैं जल गया,
भाई मैं जल जाता, अभी जल के आता, मैं जल ही चुका हूँ। बट वो बात अलग है कि मैं जलने के बाद भी काला नहीं हुआ हूँ। चलो अभी चलते हैं ऊपर वापस से गाइस, यहाँ पे से एंड दूसरी तरफ को चलेंगे अभी। इधर तो हमको कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं, मेरे को बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा मैं जहाँ से आया था। भाई बहुत ऊपर से गिरा हूँ मैं लिटरली, मेरे को वापस इतने ऊपर जाना पड़ेगा अभी चल करके। बट यहाँ पे आयरन मिल रहा है मेरे को, ले लूँ क्या? नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही आयरन है भाई, है छोड़ना नहीं चाहिए गाइस, है ना, ज़्यादा ही आयरन है तो छोड़ना नहीं चाहिए। दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, पाँच ब्लॉक, छः ब्लॉक एंड सात ब्लॉक, आठ ब्लॉक। आठ ब्लॉक बहुत होता है भाई लिटरली, तो इसको हमने छोड़ना नहीं था तो हमने इसको ले लिया अभी। और हम लोग को वापस से ऊपर जाना है भाई, काफ़ी ऊपर है यार, अभी तो दिन हो जाएगा भाई इसमें जाते जाते तो। बट कोई बात नहीं, हम लोग तो जाएंगे, हम लोग को जाना पड़ेगा गाइस, दिन हो जा रहा तो ठीक है, आप लोग के लिए जाएंगे हम, कोई बात नहीं ठीक है गाइस। इस वाले एपिसोड में प्लीज डिसअपॉइंट मत कर देना ठीक है बस। स्वीट भाई मकड़ी आ रही है भाई, नो 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 प्लीज, वन मोर मो, नो वन मो भाई, एक और बो नहीं प्लीज, मर जाऊंगा प्लीज सीट। अच्छा मैं इससे इस तरफ से जाता हूँ, मैं मेरा सामान यहीं पर पड़ा होगा यहाँ तक मेरे को याद है। आयरन तो इधर भी है भाई, मैं गलत, ओ मैं आयरन के ऊपर से पैर रख के चला गया बट मैंने आयरन नहीं देखा लिटरली। ओ सीट सीट सीट, ये मकड़ी ना मारे बस मेरे को, वैसे तो दिन हो चुका है बट इसका कुछ नहीं पता मेरे को, कभी इसका दिमाग सहनक जाता है भाई, पता नहीं रहता कुछ भी। और मेरे हाथ में वो भी नहीं है कुछ मारने के लिए इसको भाई, हो से नहीं मरेगी लग रहा है, बस ये मर जा भाई जल्दी से। मेरे हाथ में आया भी क्या हो मारने के लिए भाई, एक्स वगैरह कुछ आ जाती लिटरली मैं मरूंगा। बहुत ऊपर जंप कर रही है मकड़ी, मर भी नहीं थी, मरने का नामो निशान नहीं है मकड़ी का। मेरी एक्स भी टूट चुकी है, मेरी हो टूट गई है, मर जा भाई। भाई देख रहे हो कितना डैमेज खाती है, मतलब मरती नहीं है भाई ये, वर्ल्ड हार्ड में गई इसलिए मैं खाना खा के पहले हेल्थ बढ़ाता हूँ अपनी, वरना मैं तो गया भाई आज, मेरा बचना मुश्किल नहीं है। ये लोग नहीं बचने देंगे भाई मेरे को। सो यहाँ पे कुछ और ही पड़ाता है ना मेरा भाई, ज़ॉम्बी आ रहा है पीछे से, यहाँ पे और क्या पड़ाता है मेरा, और कुछ था ना इधर भाई। मेरे हाथ में एक्स दो पहले जल्दी से, अब आ जाओ बेटा, अब नहीं है बस कि तुम्हारा कि तुम लोग मेरे को मार दो। उस टाइम तो मैं मर गया था बस, गलती थी अपनी, क्योंकि मैंने हाथ में कुछ पकड़ा नहीं था मारने के लिए, मतलब मैंने फाइट करनी नहीं थी, मेरे हेल्थ वाली जा चुकी थी इसलिए। यार मैंने यहाँ कहीं सीट देखे थे अपने, बहुत सारे सीट मैंने कलेक्ट किए थे, वो सीट पता नहीं मेरे कहीं गिर गया वापस से यार, मतलब 50-60 सीट तो थे वो, कोई बात नहीं चलो। हमको आयरन चाहिए, आयरन मिल जाए हमको सामने, बट स्केलेटन भी दिख रहा है मेरे को, जिससे कि मुझे पंगा नहीं लेना अभी। सीट पंगा, पंगा तो ले लिया मैंने, अभी नहीं लड़ना बट मेरे को उससे बिल्कुल भी, मैं को जहाँ पे जितना आयरन मिल रहा है मैं आयरन लेता हूँ पहले, और वैसे वापस से आऊँगा माइनिंग करने, ऐसे कोई बात नहीं है कि मतलब मैं जा रहा हूँ माइनिंग वाइनिंग नहीं कर रहा है वो। सो हम लोग ऊपर चढ़ते पहले तो यहाँ से, एंड मेरे को यहाँ कहीं पर भी आयरन दिखा था, ये रहा आयरन, मतलब मेरे को आयरन, मैं पैरों के नीचे से आयरन छोड़ के जा रहा हूँ गाइस, देख रहे हो, पैरों के नीचे से आयरन छोड़ के चला गया मैं और आगे जा रहा हूँ आयरन माइन करने, नीचे का आयरन मैंने माइन ही नहीं किया, तो यहाँ से मेरे को और आयरन मिल जाएगा, इसको ही हम जल्दी से ले लेते हैं जल्दी से ठीक है। और फिर इसके बाद पहले जाके फार्म कंप्लीट करेंगे अपना, फिर उसके बाद में आएंगे इनसे लड़ने के लिए ठीक है। सो हाँ, यही वाली जगह थी, यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन दिखा था मेरे को यहाँ तक है। हाँ तो ये रहा अपना आयरन, और ऊपर भी आयरन है, पहले ऊपर वाले देते हैं, ओ ऊपर भी लग रहे हैं अच्छे खासे ब्लॉक्स हैं आयरन के, हैं 6-7 ब्लॉक हैं आराम से, हर जगह इजीली मिल जाएगा इस अपन को। तो आजा भाई तू भी आजा, तो नीचे भी एंड इधर सामने भी आयरन है भाई,
सो आयरन ही आयरन गाइस, चांदी ही चांदी अपनी, तो बस देख सकते हो गाइस तुम लोग। सो हम लोग जल्दी से सारे के सारे आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद मरना नहीं है भाई क्रीपर से, प्लीज भाई रिस्क नहीं लेना क्रीपर से भाई। एक तो जावा में पता है क्रीपर फट जाता है भाई, पीई में हमने जितना खेला था क्रीपर नहीं फटता था कभी भी भाई, इसमें क्रीपर फट जाता है लिटरली भाई। नहीं 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 प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, क्रीपर क्रीपर नहीं फट, प्लीज़ नहीं फट बेटा, ऐसे नहीं फटते। चलो फट गया तो फट गया भाई, एक और आ रहा है। मैं उस पर गिरने वाला था अभी ऊपर से, पता है तुमको, मैं उस पर ऊपर से गिरने वाला था अभी क्रीपर के ऊपर भाई, मेरा पोपट हो जाता अभी मैं गिरता तो। मैं कूद क्यों गया भाई मरने के लिए इधर, वैसे बस एक चुटकू से आयरन के लिए मैं कूद जाता हूँ कहीं पे भी भाई। मेरे को आ रहा है साउंड स्केलेटन का, और मेरे को भी करनी करनी नहीं है फाइट, ठीक है। सो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से, अपना फार्म कंप्लीट करना है इस वाले एपिसोड ना, फार्म कंप्लीट करेंगे हम लोग जल्दी से। पूरे में सीट लगा लेता हूँ मैं जल्दी से, और चलते हैं हम लोग फटाक से गाइस वापस ऊपर, बट ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर। ओ आयरन, मेरे को तब नहीं दिखाता भाई आयरन, पता है दो तीन बार आओगे ना तो दो तीन बार तुम्हें अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा, ये चीज़ तो मैंने देखी है, हमेशा मेरे साथ होती है। तुम लोग भी कमेंट में बता देना तुम लोग के साथ भी अगर ये चीज़ होती है, तुम लोग आओगे देखोगे तुमको एक बार जो चीज़ दिखेगी ना, तुम दोबारा जो दोबारा जब आओगे ना तुमको दोबारा कुछ नई चीज़ दिख जाएगी वहाँ पे, और उसी वो देखो भाई पहली बार में कुछ नहीं दिखता लिटरली, तुम तीन बार चार बार आओगे तुमको तीन चार बार अलग अलग चीज़ें मिलेगी देखने के लिए, पता नहीं क्या सीन है भाई बढ़िया। चलो यहाँ पे मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं हम जल्दी से। आई थिंक मेरा आर्मर बन सकता है अभी इतने आयरन में, आर्मर नहीं जो टूल्स हो सारे बनी जाएंगे इजीली। 39 है, बन जाएगा सब आराम से। उधर का आयरन वगैरह बाद में ले लेंगे, पहले मैं जाके अपने लिए वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, आर्मर। समझ सबसे पहले अपने लिए एक आर्मर बनाऊंगा ठीक है गाइस, ताकि ये लोग मेरे को मार ना पाए इतना ईजीली, इतना ईजीली ये लोग मार देते हैं मेरे को, काफ़ी गलत बात है गाइस, इतना ईजीली पेल डालते हैं भाई मेरे को। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर गाइस वापस से ठीक है, ऊपर जाने के लिए मेरे को पानी लगाना पड़ेगा, पानी से जा पाऊंगा मैं, और कोई रास्ता नहीं है, बिना पानी के तो मेरा जाना मुश्किल है इतना ऊपर। ब्लॉक्स ब्लॉक्स तो है नहीं पे इतने सारे कि मैं ऊपर जा पाऊंगा, बट हाँ वो चीज़ गलत हुई गाइस, मैं एक बार मर चुका हूँ, बट कोई बात नहीं यार, मरते सब है भाई सही बताऊँ तो, लेकिन कोई दिखाता नहीं है स्ट्री अपनी वीडियो में कि हम लोग मर चुके हैं, तो बस यही सीन है। हाँ कुछ होते हैं नहीं बढ़ते प्रो प्लेयर, बट 70% लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो वो लोग ये चीज़ हाइड कर देते हैं कि हम मरे नहीं ये वो, और क्रिएटिव वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं बीच बीच में, तो कोई तो उतनी हेल्थ एक्सपी कर ली और भी बस चले गए ताकि पता ना चले, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं बहुत दिमागदार, इनको पता चल जाता है सब कुछ ठीक है। सो इसलिए बट हमने कुछ हाइड नहीं किया गाइस, जो है जो है देखो, मतलब मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं था कि मैं मरूंगा तो फिर मतलब मरूंगा नहीं इसमें या ऐसा कुछ, ठीक है। मरा तो मैंने दिखाया, सिंपल सी बात है, मेरे को थोड़ा सीड चाहिए है ना, सीड कलेक्ट करने में को थोड़े से, तो मैं सीड कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, सीड कलेक्ट करते हैं गाइस, हमको सीड चाहिए काफ़ी सारे, फार्म कंप्लीट करना है क्योंकि हमको फार्म कंप्लीट करना है जल्दी से, तो सीड कलेक्ट कर रहे हैं अभी जल्दी से, फार्म के लिए हमको सीड चाहिए गाइस अभी फटाक से, तो हम सीड कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से जितना हो पा रहा है हमसे। हमको इतने सीड मिल रहे हैं गाइस, कलेक्ट कर लेते हैं, 18 ही सीड हुए हैं वैसे हम मिल पे अभी, तो आराम से मतलब लग जाएंगे भाई 70-80 सीड, तो उसमें एक स्टैक सीड तो करके ही चलूँगा मैं अब, मेरे पे 35 सीड हो चुके हैं गाइस, मेरे को आधा स्टैक और चाहिए सीड बस, आधे स्टैक के बाद हम लोग जाके देखेंगे वहाँ पर लगाने का कितना सीड हमको और चाहिए, क्योंकि फार्म थोड़ा सा अपना बड़ा है, उसके बाद फिर हमको लकड़ियाँ भी चाहिए, तो लकड़ियाँ कलेक्ट करने चलेंगे उसके लिए, फेंसिस वगैरह बनाने के लिए ठीक है। आज हम लोग फार्म बनाएंगे गाइस, अपना फार्म बना के रख देंगे, पूरा तैयार कर देंगे फार्म भाई, इस वाले एपिसोड में अच्छे से दिखा देना भाई सपोर्ट, ठीक है। वैसे पहले वाले एपिसोड अभी भी उस पर व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे, मतलब चल रहा है वो भी अच्छा खासा, 100 लाइक से होने वाले हैं, 1K+ व्यूज हैं इजीली जितना मेरे को दिख रहा है उसका ग्रोथ के हिसाब से ठीक है। सो इस पर भी कर देना भाई अच्छा खासा सपोर्ट दिखा देना यार ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो अच्छी नहीं जाती इतना तो मेरे को पता है, बट फिर भी डिसअपॉइंट मत करना यार ठीक है, उतना तो सपोर्ट दिखा देना इस वाले इस पर भी, कहीं डिसअपॉइंट कर दो फिर अगली एपिसोड बनाने का मन ही ना करे मतलब, तो वो चीज़ मत करना बस ठीक है। इधर हनी ब्लॉक मिल रहा है मेरे को, बट इसको छोड़ो, इसका ज़रूरत पड़ेगी हमको बाद में ठीक है, हनी ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है हमको, बट अभी इसका तो
नहीं लेके जा सकता मैं, क्योंकि सेल्फिश वगैरह कुछ है नहीं इतना। इस बार मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा नहीं, मैं स्केटन वगैरह मार लेता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा बोन मिल जाएगा, बोन से मैं बोन भी बना लूँगा, तो उससे मेरे को थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं गाइस, हम पे हो चुके हैं एक स्टैक से ऊपर ही हो चुका है, एक स्टैक दो, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ से एंड कलेक्ट करते हैं सीड को, मतलब सीड को उठा करके जल्दी से प्लेस कर देते हैं वहाँ पे जा करके, सो जाएंगे पहले तो। उसके बाद नेक्स्ट डे हम करेंगे सीड को प्लेस, ठीक है। वैसे माइंड क्राफ्ट पे 3 दिन लगते हैं शायद से उसको ग्रो होने में, क्रॉप्स को, ठीक है, वाली वीट को अपने। तो अभी हम लोग चलते हैं गाइस जल्दी से, ठीक है, नीचे की तरफ, एंड रास्ते में जो भी पड़ेगा तोड़ते हुए चलेंगे गाइस, सीड वगैरह मिल सकते हैं अभी। एंड सीड्स की हमको वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस अभी तो क्रॉप के लिए, मतलब सोचा नहीं था कि हमको कभी ऐसे सीड्स भी कलेक्ट करने पड़ेंगे अपने सर्वर वगैरह में, तो नहीं करने पड़ते थे क्योंकि ईजीली मिल जाते थे। चलो अभी चलते हैं, और यहाँ पे वैसे मेरे को सामने शुगर केन भी दिख रहा है, मेरे को पेपर वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो मैं शुगर केन भी ईजीली ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी जगह पर हम लोग हैं अभी इस टाइम पर, और मेरे को अभी तक एक भी स्केलेटन नहीं दिखा मेरे पास, लिटरली एक आध स्केलेटन तो होना चाहिए था अभी। यार वैसे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा गाइस, है ना, चंद्र ग्रहण नहीं है भाई सच में, वरना चांद की रोशनी भी नहीं। इधर आगे भाई स्केलेटन काफ़ी सारे हैं, तो इनसे कैसे फाइट करूँगा भाई, ये तो ज़्यादा ही आ गए कुछ, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए भाई, इतने ज़्यादा भी नहीं चाहिए थे वैसे मेरे को, इतने ज़्यादा ही आ चुके हैं। तो हम लोग जल्दी से सो जाएंगे भाई, इनको क्रीपर को नहीं फटने देना, क्रीपर को नहीं फटने देना गाइस। उधर भी भाई है क्रीप, मतलब यार स्केलेटन से उधर मेरे को बैठ लेके जाना पड़ेगा अपना लग रहा है, सोना तो मुझे लगता नहीं कि सो पाऊंगा, मार देगा। जल्दी हो जा, दिन हो जा, दिन हो जा, दिन हो जा, दिन हो जा, और चलो हो गया दिन हो गया। अब ये लोग जलेंगे यार, मेरे को मिलेगा बोन गाइस, ठीक है। यार पानी में क्यों आ गए ये लोग, बट चलो इधर सामने वालों से लेके आते हैं हम जल्दी से, बोन लेके आते हैं सामने भाई, ये भी पानी में गिर गए जल जल के। चलो एक तो हमने टपेट लिया, ये भी गया गाइस, एंड एक और था गाइस यहाँ पे शायद से स्केलेटन, तो देख लेते हैं अगर होगा वो भाई। इधर तो क्रीपर स्केलेटन नहीं क्रीपर से पंगा नहीं लेना भाई, वो नहीं मरते इतनी जल्दी, मेरे को फोल और देंगे तो ड्राउन बन गए। चलो कोई नहीं, सामने वाले का देख लेते हैं, मेरे पे कितना बोन भाई, एक भी बोन नहीं मिला मेरे को अभी तक लिटरली, मजाक हो रहा है क्या। सो भाई इन लोगों ने कितने सारे एरो मारे मेरे इस पर, अच्छा इसको मैं मार देता हूँ, बट भाई एक बोन तो देना चाहिए ना, एटलीस्ट एक भी बोन नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्या बात है यार, ये जल जाते हैं भाई। यहाँ पे भी इतनी सारी मुर्गियाँ दे रखी हैं, बट एक भी बोन नहीं मिला मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जितना सीड मिला है हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं जल्दी से गाइस, ठीक है। एंड चलो जल्दी जल्दी प्लेस करते हैं गाइस, अपने भी एक स्टैक सीड और है, ठीक है। तो ये एक स्टैक सीड को हम लोग प्लेस करते हैं फटाक से, वैसे ये सीड भी नहीं हो पाएगा मेरे को पता है वो तो, बट कोई बात नहीं हम लोग कर देते हैं, इतना हम पे हो रहा है, इतना सीड में मतलब इतनी जगह में लग पा रहा है, सीड लगा देते हैं फटाक से, बाकी के लिए और ले आएंगे सीड। बट मैं अभी जाऊंगा पहले लकड़ियाँ काटने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वुड के अलावा नहीं, वुड के बिना नहीं होता काम। मेरे को पहले से ही वुड कलेक्ट करके रख लेनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं की वो चीज़। चलो कोई बात नहीं, हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इनको हम तोड़ सकते हैं अभी, इनमें सीड मिलेगी हमको अच्छे खासे, जो ये ग्रो हो चुके क्रॉप्स, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलने वाली इनमें सीड, कुछ तो मिलेगी बट चलो। सो ये अभी भी मेरा फार्म कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, तो अभी कुछ तो करते हैं भाई, क्रीपर ना आ जाए बस। चलो इसको ग्रो नहीं था आराम आराम से, और हम लोग चलते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए गाइस थोड़ी सी, ठीक है। लकड़ियाँ काट के लानी है हमको जल्दी से पहले तो, क्योंकि थोड़ा सा फेंस गेट वगैरह बना लेते हैं उसके लिए तो अच्छा रहेगा वो। क्रीपर भाई मेरे पास आके फटेगा क्या, मेरे पास ही फटेगा आके, मेरे पास ही फटा आके वो। चलो अभी हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं जल्दी फटाक से जा करके, ठीक है, कहाँ पे हमको लकड़ियाँ मिलती है, ताकि सीड भी कलेक्ट कर ही लेते हैं जाते जाते, क्या दिक्कत है। चलो यार फिर लकड़ियाँ ही ले लेते हैं भाई, सीड का सीड 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 ही करते रहेंगे मैंने हम तो, मेरे को सीड पहले से कलेक्ट कर लेनी चाहिए। चलो चलो सामने मेरे को ट्री दिख रहा है पहले तो, उसको कट करते हैं फटाक से, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। मेरे को एक और केव टाइप लग रही है गाइस, इसमें चलें क्या बोलते हैं पब्लिक, सामने स्नो है गाइस, सामने हमको स्नो भी मिल चुकी है, लिटरली स्नो इतनी जल्दी मिल चुकी है हमको। एंड स्नो पे ज़रूर अगर हम ऊपर जाएंगे तो आयरन तो मिलेगा ही, तुमको पता ही है गाइस,
बट अभी हम जाएंगे नहीं वहाँ पे, मेरे को सामने जाऊंगा पहले तो मैं, एंड सामने जाने के बाद मेरे को ट्रीज चाहिए तो मैं ट्रीज कलेक्ट करता हूँ, एंड ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके ट्रीज कलेक्ट करते हैं, ऊपर से फेंसिस लगा देते हैं एंड अपना फार्म कंप्लीट करते हैं, और फिर नया एपिसोड का आप लोग को वेट करना पड़ेगा गाइस। वेट क्या मतलब, आप लोग को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा यार इस वाले एपिसोड पे भी अच्छा खासा। 60 लाइक का लाइक गोल है, लाइक गोल है ठीक है, इस वाले एपिसोड 60 लाइक ओनली, 60 लाइक कुछ बड़ी बात नहीं है, 80-100 लाइक तो इस वाले एपिसोड पर हो गए हैं गाइस, तो देख लो छोटा ही गोल है ठीक है, ज़्यादा बड़ा लाइक एम नहीं रखा हम लोगों ने। बट हाँ ये है, अगर 100 एपिसोड हो गए तो 100वें एपिसोड पर ज़रूर से आई थिंक 100 लाइक का लाइक एम गोल होने वाला है ठीक है। तो जब तक सपोर्ट दिखा देना, अच्छा खासा ग्रोथ करवा देना, और कुछ नहीं मांगता अपने ठीक है। बाकी मेरे को ट्रीज मिल गए यहाँ पे गए, तो हम ट्रीज को जितना हो जाएगा कलेक्ट कर लेंगे अभी, जितना हो पाएगा ठीक है, जल्दी जल्दी ट्रीज कट कर लेता हूँ मैं और लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे, क्योंकि हमको फेंसेस वगैरह बनाने उसके ज़रूरत है, और हम घर भी हमको बनाना पड़ेगा ठीक है, तो घर के लिए भी मैं कर देता हूँ कलेक्ट अभी, कि बिना घर के हम रहेंगे कहाँ पर गाइस, वहाँ पे तो मेरा घर ही नहीं है अभी, बेड पड़ा हुआ बस ऐसे ही ओपन में, मतलब सड़क सो रहा हूँ मैं एक तरीके से। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं गाइस जल्दी से फटाक से ठीक है। सो गाइस आई थिंक इतना इतना बहुत है, अभी मैं चलता हूँ वापस से ठीक है, एंड जल्दी से चलते हैं वरना ये वाला एपिसोड यार काफ़ी बड़ा हो जाएगा ठीक है, तो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं सीट जितना मिल रहा है हमको यहाँ पे, बाकी सीट का कोई टेंशन नहीं है ठीक है, सीट तो होता रहेगा अपने पास। चलो अभी चलते हैं गाइस यहाँ से, जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस ठीक है, एंड फेंसिस लगा देते हैं, अपने फार्म कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से ठीक है, चल करके अभी जल्दी से जाएंगे और जल्दी से फेंसिस लगा देंगे गाइस ठीक है अपने फार्म के लिए, जल्दी 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 चलेंगे गाइस ठीक है, वरना अपना एपिसोड 1 घंटे का बन जाएगा फिर। एंड चलो गाइस जल्दी से हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर ठीक है, एंड जल्दी से फैंस बना लेते हैं, फैंस गेट्स बना लेते हैं जल्दी से ठीक है, इस पे जितनी भी लकड़ी है, हम पे जितनी भी लकड़ी है उन सबसे फटाक से, एंड इतना बहुत रहेगा आई थिंक ठीक है, मेरे को याद नहीं वैसे कैसे बनता है बट कोई बात नहीं, जैसे ही बनता हो ऐसे ही बनता है और कैसे बनता है। चलो अभी हम पे जितना और लकड़ी बची है उनसे ही बना लेते हैं फटाक से, आई थिंक 64 इज़ इनफ, चलो इसको लगा लेते हैं फटाक से ठीक है, इतने का भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, मैंने ज़्यादा ही बना लिया कुछ ठीक है, और अपना फार्म इसी तरीके से कंप्लीट होने वाला है गाइस, बस अभी थोड़ा सा रुक जाओ भाई, अभी अपना फार्म कंप्लीट होने वाला है बस, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना लेते इतने, मेरे पास सीड वगैरह नहीं है अभी उगाने के लिए, बट जैसे अपनी फर्स्ट मतलब उगेगी ना तो उसके बाद से हो जाएगा, 1 स्टैक ही काफ़ी था भाई, 1.5 स्टैक काफ़ी था, मैंने ज़्यादा बना लिया लिटरली, ज़्यादा ही है कुछ कोई बबात नहीं, 1 स्टैक इज़ इनफ गाइस, चलो कोई बात नहीं हमने ज़्यादा बना लिया कोई बात नहीं, एंड अंदर जाने के लिए मैं वो बना लेता हूँ कारपेट ठीक है, थोड़ा सा 3 कारपेट इज़ इनफ गाइस अंदर जाने के लिए ठीक है, क्योंकि इससे हम इसके ऊपर चढ़ के हम अंदर जा सकते हैं, हमको गेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हम इसके ऊपर जा सकते हैं, एंड कोई जानवर वगैरह इसके अंदर नहीं जा पाएगा इसके थ्रू ठीक है, इवन कोई मॉब भी नहीं जा पाएगा ठीक है। सो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं तक के लेता है, ये रहा अपना फार्म जो कि अभी थोड़ा सा बचा हुआ इधर का ठीक है एरिया, तो अपने को फार्म में फार्म बन चुका है गाइस ठीक है, और अपने पे आयरन भी हो चुका है, सो अभी जाएंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में फाइट करने और थोड़ा डायमंड का ट्राई करेंगे, डायमंड बनाने का, डायमंड लेने का ठीक है, और घर बनाने का भी ट्राई करेंगे अगले एपिसोड में गाइस, तो ये वाला एपिसोड यहीं तक के लेता है, आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा गाइस ठीक है, तो ये वाला एपिसोड पे गाइस आपको अगर तुम लोग कर देते हो 60 लाइक्स ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा नया एपिसोड, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।